today our topic is asymptotes. ठीक है, asymptotes हम पढ़ेंगे आज. asymptotes क्या होता है? asymptotes एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करता है. ठीक है, asymptote इज ए स्ट्रेट लाइन. हम कह सकते हैं कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच एनी कर्व एट इन्फिनिटी. ठीक है, विच टच एनी कर्व एट इन्फिनिटी. ये क्या होता है? एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे, उसको क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट कहते हैं. एसिम्प्टोट हमेशा हम क्लोज सरफेस का निकालते हैं. जैसे हम सॉरी एसिम्प्टोट हमेशा हम ओपन सरफेस का निकालते हैं. ओपन सरफेस मतलब जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिए. ठीक, यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई की पावर इवन है. ठीक है, तो जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कोई लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे जाएगा ये कोई लाइन ड्रॉ करे, ये टच इसको कट नहीं करेगी, कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये इसको जाके यहाँ पे टच करेगी इनफाइनाइट पॉइंट पे. तो यही जो लाइन हमारी है इसी को हम क्या कहेंगे? एसिम्प्टोट्स कहेंगे. ठीक है, तो हम कोई किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी. तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ एम चाहिए और सी चाहिए. यहाँ से एम और सी अगर हम निकाल लें तो हमें एसिम्प्टोट्स किसी कर्व का मिल जाएगा. ठीक है, तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि एसिम्प्टोट्स यहाँ पे हम ओपन एसिम्प्टोट सिर्फ हम ओपन कर्व का निकालते हैं. अगर आपसे कोई पूछे या कहीं मिल जाए आपको कि फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका सेंटर 0,0 होगा और रेडियस इसकी ए होगा. ठीक है, रेडियस इसका ए होगा. ठीक, तो अगर इसका हम एसिम्प्टोट करें तो इसका एसिम्प्टोट होगा डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इसका एसिम्प्टोट होगा डज नॉट एग्जिस्ट. ये आपको हम यहाँ से बताना चाहेंगे. अगर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एसिम्प्टोट का वर्किंग रूल, तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे इसके बारे में क्यों इसका इस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लोज तक. पहली बात तो आप ये जानिए कि एसिम्प्टोट हमें ओपन कर्व का ही निकालते हैं, क्लोज कर्व का एसिम्प्टोट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हाँ, तो ये हो गया एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट क्या होता है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोट, हाउ वी फाइंड रूल टू फाइंड एसिम्प्टोट. तो हमारा पहला वर्किंग रूल होगा कि हम पहला वर्किंग रूल हम निकालेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अभी हम कैसे निकालेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस? हमारे इक्वेशन में एक्स के हायर पावर को, ठीक है, एक्स के हायर पावर एक्स वी इक्वेट द कोफिशियंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स टू जीरो. ठीक है, हमको पहला स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि एसिम्प्टोट पहले टू एक्स एक्सिस निकालेंगे. तो इसके निकालने के लिए हमारे पास क्या रूल है? वी इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर एक्स टू जीरो. ठीक है, तो हम इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे. हमारा स्टेप टू क्या है कि एसिम्प्टोट पहले टू वाई एक्सिस निकालेंगे. ठीक, एसिम्प्टोट पहले टू वाई एक्सिस दूसरा स्टेप. इसमें क्या करेंगे? सिमिलरली वही काम करेंगे कि हम वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वाई टू जीरो. ठीक है, इसमें ये काम करेंगे. ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. इसके लिए हम क्या काम करेंगे? वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वाई टू जीरो. अगर मान लीजिए एक्स और वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वन है, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो हम कहेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस डज
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन जितने डिग्री का होगा, जिसकी पॉलिनोमियल फंक्शन कोई है, जितने जितनी जितनी बड़ी उसकी डिग्री होगी, आप मान लीजिए मैक्सिमम एसिम्प्टोट उतने ही बनेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की डिग्री थ्री, मैक्सिमम थ्री है, वाई की भी थ्री है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे टू है, वन वन टू, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पे थ्री पॉसिबल है, ठीक। अब ये थ्री में इमेजिनरी नंबर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ रियल को हम कंसीडर करेंगे एसिम्प्टोट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे आप देख लीजिए, तो थर्ड स्टेप हमारा ये है, ये हम एसिम्प्टोट पहले टू एक्स एक्सिस निकालेंगे, सेकंड में एसिम्प्टोट पहले टू वाई एक्सिस निकालेंगे, थर्ड में हमारा थर्ड रूल आ जाएगा फाई ऑफ एन एम निकालेंगे, फाई एन एम, ठीक। ये थर्ड स्टेप हम आपको क्वेश्चन के साथ बताने जा रहे हैं, कोई जिसे फाई ऑफ एन एम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई बराबर जीरो, ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए इसमें हम पहला स्टेप हमारा कह रहा है कि थर्ड स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, तो हमारा आप देखिए पहला स्टेप क्या कहता है कि एसिम्प्टोट पहले टू एक्स एक्सिस निकाले, तो हम एसिम्प्टोट पहले टू एक्स एक्सिस में क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहाँ पे तीन है, उसकी उसका उसका कोफिशिएंट क्या है वन। अब हम क्या कहें कि एसिम्प्टोट पहले टू एक्स एंड वाई डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो कॉन्स्टेंट हो, तो इसका भी इसका तो हम लिखेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये लाइन हम लिखेंगे। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, सेम यही लाइन होगा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कॉन्स्टेंट, वाई क्यूब इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि जितनी मैक्सिमम नंबर का पॉलिनोमियल होगा उतना उसका एसिम्प्टोट बनेगा। यहाँ पे देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर थ्री है, वाई की भी मैक्सिमम पावर थ्री, एक्स की मैक्सिमम थ्री है और वाई की भी थ्री है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट थ्री पॉसिबल है, ठीक है। और हमारा स्टेप थर्ड, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए हमारा स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में हम निकालेंगे फाई ऑफ एनएम निकालेंगे, ठीक, सॉरी फाई ऑफ एनएम। इसमें क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स बराबर वन और वाई बराबर एम पुट करते हैं, ठीक है, एक्स बराबर वन और वाई बराबर एम। देखिए फाई ऑफ एनएम मतलब यहाँ पे एन की सबसे बड़ी डिग्री तीन है, तो यहाँ पे n बराबर तीन लेंगे, मतलब समझने के लिए यहाँ पे लिखा रहेगा तो n ही, लेकिन आप समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप हमारा होगा n माइनस वन एम। तो हम देखिए इसकी डिग्री एसिम्प्टोट में यहाँ पे टू थ्री है, थ्री ऐसे काउंट करेंगे, फिर इसके बाद सिर्फ फाई ऑफ एन एम सिर्फ इन्हीं दोनों का निकालेंगे, क्योंकि n मतलब तीन लिए है, तो सिर्फ तीन डिग्री का पॉलिनोमियल यही दोनों दिख रहा है हमें पूरे इक्वेशन में। फिर इसके बाद n माइनस वन यानी तीन में से एक जाएगा तो दो आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक इसकी पावर यहाँ पे मिला के दो आ जा रहा है हमारा, ठीक है, तो दो आ जा रहा है, तो हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे फाई ऑफ एन एन माइनस वन निकालेंगे, तो फाई ऑफ एन एम निकालने के लिए हम एक्स बराबर वन और वाई बराबर एम, ये वर्किंग रूल है, हम इसको ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है, तो हम पुट करिए एक्स बराबर वन तो यहाँ पे वन और यहाँ पे वाई बराबर एम, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया वन प्लस एम क्यूब, ठीक है, हमारा एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड
हमारा ये देखिए, अब देखिए फाइव एन माइनस वन यानी टू पावर वाला लिखेंगे, ठीक है टू पावर वाला, तो यहाँ पे x बराबर वन तो इसका हो जाएगा बराबर माइनस थ्री ए एक्स बराबर वन y बराबर m रखेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया माइनस थ्री ए एम, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे फाइव एन माइनस टू, थ्री पावर है तो हम थ्री तक जाएंगे और फाइव एन माइनस थ्री एम, तो यहाँ पे वन डिग्री का कोई टर्म हमें दिख नहीं रहा है तो जीरो हो जाएगा, थ्री डिग्री का और यहाँ पे टू डिग्री वन डिग्री का नहीं दिख रहा है तो जीरो हो जाएगा, और कोई वन डिग्री का भी टर्म यानी कोई कांस्टेंट भी नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब रूल थर्ड हमारा क्या कहता है, रूल इतना हुआ ये देखिए फाइव एन निकाले, फाइव एन माइनस वन निकाले, फाइव एन माइनस टू, फाइव एन माइनस थ्री, और फाइव एन फाइव फाइव ऑफ एन एम कैसे निकालेंगे ये आप जान लीजिए, ये आप समझिए, फाइव ऑफ एन एम हम निकालेंगे एक्स बराबर वन, जहां एक्स की वैल्यू है वहां पे वन और वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू एम रख के निकालेंगे, और वो भी किसमें, एन मतलब तीन माने तो सिर्फ तीन डिग्री में जो इक्वेशन रहेगा उसी में रख के निकालेंगे, और फाइव एन माइनस वन में मतलब टू डिग्री का इक्वेशन रहेगा तो उसमें हम एन माइनस वन रख के एक्स या वन वाई की जगह एम रख के निकालेंगे, ये हमारा वाई स्टेप। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप फोर था, ठीक है सॉरी स्टेप थ्री था ये, ये हमारा स्टेप थर्ड था, स्टेप थर्ड ठीक है, ये हमारा स्टेप थर्ड था ये। अब इसके बाद स्टेप फोर हमारा क्या है कि फाइव एन एम जो आया है इसके एन ई जो वैल्यू आई है इसके बराबर हम जीरो पुट करेंगे, स्टेप फोर में पुट फाइव ऑफ एन एम बराबर जीरो यानी वन प्लस एम क्यूब बराबर जीरो यानी एम क्यूब बराबर माइनस एम क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना तो ये बनेगा वन प्लस एम, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे बना वन प्लस एम, यहाँ पे बनेगा एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम, ये ए प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़िए तो यहाँ पे एक एम की वैल्यू माइनस वन आएगी और ये दोनों इमेजरी देंगे जो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पे एम की वैल्यू एक आई। अब हमारा स्टेप फोर होगा, स्टेप फोर ये था, स्टेप फाइव ठीक, स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, स्टेप फाइव में हम फार्मूला यूज, अब देखिए हमें एम पता चल गया तो हमें इक्वेशन के लिए इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या चाहिए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, ठीक है तो हमें एम पता चल गया, सी निकालना है, एम सिंगल है ठीक है, एम सिंगल है तो हम क्या करेंगे यहां से सी का फार्मूला हमारे पास है कि सी अपॉन वन फैक्टोरियल फाइव ऑफ एन, फाइव फाइव डिफरेंटियल एन एम एन एम माइनस फाइव ऑफ एन माइनस वन इंटू एम बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो सी मतलब निकालना है तो सी ऐसे रख दे, फाइव ऑफ एन एम मतलब इसका डिफरेंटियल करें, फाइव डैश है ना तो इसका डिफरेंटियल क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ एन एम आ जाएगा वन प्लस थ्री एम स्क्वायर आएगा हमारा डिफरेंटियल, तो इसको यहाँ पुट कर दे वन प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ एन माइनस वन एन, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा थ्री ए एम बराबर जीरो, तो सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री ए एम अपॉन वन प्लस थ्री एम स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे सी बराबर, तो हमारा कंडीशन है एट एम बराबर माइनस वन, ऊपर लिख दे रहे हैं एट एम बराबर, एट एम बराबर माइनस वन, एम बराबर माइनस वन पे सी बराबर हमारा मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री ए, रुकिए यहाँ पे देखिए रखिए थ्री माइनस थ्री ए एम की वैल्यू माइनस वन अपॉन वन प्लस थ्री माइनस वन की पावर होल स्क्वायर, तो सी बराबर हो जाएगा थ्री ए अपॉन वन प्लस थ्री फोर, तो क्या आ गया थ्री बाई फोर आ गया, ठीक है क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहां से y है ही, ये हमारा माइनस वन एक्स आया और c की वैल्यू थ्री ए वाई फोर पुट कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट आ जाएगा, ये आंसर तो सही नहीं है लेकिन मेथड यही लगेगा, ठीक है That's all and so on. और नाउ एक मिनट और आपको ये बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए हमारी m की वैल्यू, m की वैल्यू सिंगल आ रही थी तो हम एक फार्मूले से काम चला गया, यहाँ पे तीन थ्री फार्मूले का यूज होता है, एक फार्मूला थ्री अपॉन वन फैक्टोरियल c अपॉन वन फैक्टोरियल फाइव डैश एन एम, c अपॉन वन फैक्टोरियल फाइव डैश एन एम प्लस फाइव एन माइनस वन एम बराबर जीरो,
दूसरा है सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एन एन एम प्लस फाइव डबल डैश एन एम प्लस फाइव सी सी अपॉन वन फैक्टोरियल फाइव सिंगल डैश एन माइनस वन एम फिर फाइव डैश एन फाइव फाइव एन माइनस टू एम बराबर जीरो। ये वाला फार्मूला हमारा जब एम क्योंकि जब वहां पे देखिए हमारा क्यूब आ रहा था तो एम वन नॉट इक्वल टू एम टू नॉट इक्वल टू एम थ्री यानी तीनों डिस्टिंक्ट हो तब ये फार्मूला लगाएंगे, जब दो बराबर हो एम वन इक्वल टू एम टू तो ये फार्मूला लगाएंगे ठीक है, जब तीनों एम बराबर हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे सी सी क्यूब अपॉन टू फैक्टोरियल जीरो बराबर तुम लगाए सी क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल फाइव ट्रिपल डैश एन एम प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव फाइव डबल डैश एन माइनस वन एम फिर सी अपॉन वन फैक्टोरियल फाइव सिंगल डैश एन माइनस टू एम प्लस फाइव एन माइनस थ्री एम बराबर जीरो। देखिए जब तीनों डिस्टिंक्ट हो एम वन बराबर एम टू बराबर एम थ्री तीनों क्या हो बराबर हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे ठीक है, और जब दो बराबर हो तो ये और तीनों अलग हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए इस तीन कॉमन है एक चीज, देखिए जब तीनों बराबर है तो सी अपार वन फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पे वन फैक्टोरियल है तो यहाँ पे एक बार डिफरेंटियल है ठीक है, फिर उसके बाद खत्म। यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर है फिर दो बार डिफरेंटियल फिर एक कम सी अपार वन फैक्टोरियल फिर एक बार डिफरेंटियल फिर देखिए वन के बाद जीरो यहाँ पे कुछ नहीं है ठीक है, फिर इसमें देखिए सी सी क्यू वन थ्री फैक्टोरियल तीनों बराबर है तो यहाँ पे तीन बार डिफरेंटियल फाइव एन एम फिर देखिये ये एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर था तो सी स्क्वायर सी क्यूब था तो सी स्क्वायर आएगा, टू बार टू है तो टू बार डिफरेंटियल फिर सी स्क्वायर के बाद सी वन सी आएगा सी वन 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 बार डिफरेंटियल फिर देखिए वही देखिए सीक्वेंस में है, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, यही फार्मूला और मेथड यूज होगा टू फाइंड एसिम्प्टोट्स ठीक है एंड दैट्स ऑल।